नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जल शक्ति विभाग का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, यहाँ पर 5 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं जो कि आपका जल शक्ति विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि लास्ट डेट यहाँ पर 27 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022, 30 जुलाई 2022, 30 जुलाई 2022, 4 अगस्त 2022, इतना यहाँ पर जो पांचों फॉर्म है आप सभी का अलग अलग अपना एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर अंडर JSU डिवीजन इंदौरा। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी है, इंदौरा में वैकेंसी निकाला है, संसरपुर में भी निकाला है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर JSU डिवीजन चौंतरा में निकाला है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए जल शक्ति डिवीजन बैजनाथ में भी निकाला है, और इसके बाद किलोंग में भी यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बारी बारी से हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो हम लोग उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा MB का है, इसलिए हमने डाउनलोड करके रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो दिखाने में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग अपॉइंटमेंट नोटिस है। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी निकाला गया है, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी पर्पज वर्कर अंडर JSU डिवीजन चौंतरा में निकाला गया है, ठीक। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि पंप ऑपरेटर के यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देश है। तो और सब आप लोग देखिए जो और 4 बचेंगे उसमें भी ऐसे अलग अलग तरह का वैकेंसी दिया गया है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 10 है पंप ऑपरेटर का, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका पर मंथ आपको कितना दिया जाएगा, इसके बारे में एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मेट्रिकुलेशन, यानी कि कक्षा 10 पास होना चाहिए, विथ सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ ITI इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप ITI हो, या वायरमैन में हो, या डीजल मैकेनिक में हो, या पंप मैकेनिक में हो, या मोटर मैकेनिक हो, या पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक हो, रिकॉग्नाइज्ड विथ मतलब ITI या 10th इसके इक्विवेलेंट विथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। तो कक्षा 10 पास होना चाहिए प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऊपर जो ट्रेड दिया गया है, ठीक। फिटर के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 5500 रुपये पर मंथ यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए आपका फिटर ट्रेड में, ठीक। और यहाँ पर मल्टी पर्पज वर्कर का यहाँ पर 19 सीट है, देख सकते हैं 3900 रुपये पर मंथ यहाँ पर ये जो है ये जो बात की है। द कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द मिडिल पास एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम स्कूल ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी है एज लिमिट के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, कह रहे द एज लिमिट फॉर अप्लीकेंट सेल बी बिटवीन 18 से 45 साल। तो 18 से 45 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। बाकी देखिए ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिएगा। तो देखिए जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है 30 जुलाई 2022 तक ये आपका भेजा जाएगा, मतलब भरा जाएगा, उसके बाद ये आपका भरेंगे तो ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी अप्लीकेशन 30 जुलाई 2022 के बाद प्राप्त होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक। तो ये बताया गया है। तो इसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, देखिए जो कह रहा है एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 गुना स्टूडेंट ये लोग सेलेक्ट करेंगे स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर जो आपका फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर इन जल शक्ति विभाग में। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगाना है, पिताजी का नाम कैपिटल में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मेल या फीमेल है, परमानेंट होम एड्रेस, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, बिलोंग टू BPL फैमिली आर नॉट ये आपको डालना है, पोस्ट अप्लाइड जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको डाल देना है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और परसेंटेज के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका जो एग्जामिनेशन है मार्क ऑप्टेंड है, परसेंटेज मार्क है, एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद जो डिक्लेरेशन है ये आपको भरना पड़ेगा, प्लेस डेट और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके भेजना है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं और भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं जल इंगेजमेंट ऑफ नोटिस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, पैरा पंप ऑपरेटर के यहाँ पर 22 सीट है, 22 सीट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि कक्षा 10 पास होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, पंप ऑपरेशन
एंड मेंटेनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई या मेट्रिकुलेशन 10th विद ए सर्टिफिकेट इन अबव सीआईटीईडी ट्रेड, तो सीटेड ट्रेड ठीक, और अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। और पैराफिटर के यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 11 दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में यहाँ पर कच्चे 10 पास होना चाहिए, प्लस आपका जो आईटीआई होना चाहिए दोस्तों वह फिटर या प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए ठीक। और मल्टी पर्पज वर्कर के लिए यहाँ पर दोस्तों 36 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कक्षा 8 मांगा गया है, कक्षा 8 पास होना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सब जो कुछ भी है डिजायरेबल में यहाँ पर बताया कि नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्लेन पेपर सुपर स्क्राइब विथ द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड अलॉन्ग विथ द ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट डिटेल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये आपको डॉक्यूमेंट लगाना, जैसे मार्कशीट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन या मिडिल का लगा देंगे, आईटीआई तो आईटीआई का लगा देंगे, बीपीएल सर्टिफिकेट लगा देंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इज नॉट मेंशन इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यदि नहीं है तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, यदि आपको कक्षा 10 की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है आप अपना देख सकते हैं। बाकी अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो वैकेंसी हो गया, तो और यहाँ पर तीसरा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है आपका ये और भी वैकेंसी है, ये जो है इसका 27 जुलाई 2022 इसका लास्ट डेट है, तो कल इसका लास्ट डेट है। पैरा पंप ऑपरेटर के दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 13 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, भाई कक्षा 10 पास होना चाहिए, आपका आईटीआई में जो ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन वायरमैन या डीजल मैकेनिक पंप मैकेनिक या मोटर मैकेनिक या पंप ऑपरेटर या कम मैकेनिक फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई या मेट्रिकुलेशन 10th विथ सर्टिफिकेट इन अबव सीटेड ट्रेड अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। और पैरा फिटर का यहाँ पर देख सकते हैं 5 सीट है, 5500 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड में ठीक। और यहाँ पर देखिए मल्टीपर्पज़ वर्कर का 34 सीट अवेलेबल है, 3300 रुपये पर मंथ यहाँ पर बात किए हैं। और द कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडिल पास होना चाहिए ठीक। और ये सब जो कुछ भी डिटेल है देखिए कह रहा है यहाँ पर कि फॉर अदर डिटेल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डिटेल एंड डिटेल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी हैड फ्रॉम, ये जो दिया गया है इसी पर, आर एट नोटिस बोर्ड ऑफ JSV डिवीजन ऑफिस इंदौरा। एज लिमिट दोस्तों 18 से 45 साल यहाँ पर मांगा गया है। बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये जो फॉर्म है ये पिछले फॉर्म की तरह है ये भी, तो ये देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।